कोरी एंडरसन और थिसारा परेरा गोल्ड कैटेगरी के काफी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। दोनों ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो चलिए जानते हैं मल्टीप्लेयर मोड में इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है। कोरी एंडरसन लेफ्ट हैंडेड ब्रूट बैट्समैन है, तो वहीं पर थिसारा परेरा भी लेफ्ट हैंडेड ब्रूट बैट्समैन है। कोरी एंडरसन एक मीडियम फास्ट बॉलर हैं और थिसारा परेरा भी एक मीडियम फास्ट बॉलर ही हैं। यहाँ पर तो दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर बात करें इनकी मेन रेटिंग्स के बारे में, इनकी मेन बैटिंग रेटिंग्स देखें तो कोरी एंडरसन की बैटिंग टेक्निक से 73, थिसारा परेरा की बैटिंग टेक्निक से 71। कोरी एंडरसन की बैटिंग टाइमिंग है 81, थिसारा परेरा की टाइमिंग भी है 81। यहाँ पर कोरी एंडरसन सिर्फ 2 पॉइंट से टेक्निक्स में आगे है, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर बात करें इनकी मेन बॉलिंग रेटिंग्स के बारे में, तो कोरी एंडरसन की स्किल्स हैं 73, थिसारा परेरा की स्किल्स हैं 74। कोरी एंडरसन की मूवमेंट है 71, थिसारा परेरा की मूवमेंट है 72। ओवरऑल गेंदबाजी में थिसारा परेरा 2 पॉइंट से आगे हैं, यानी कि अभी तक दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। इनके ड्रीम टीम पॉइंट्स देखें तो कोरी एंडरसन के हैं 9 और थिसारा परेरा के भी हैं 9। यहाँ पर भी दोनों इक्वल हैं। इनकी हिडन रेटिंग्स देखें तो कोरी एंडरसन की फील्डिंग है 73, थिसारा परेरा की फील्डिंग है ओनली 70। कोरी एंडरसन का बैटिंग एग्रेशन है 82, थिसारा परेरा का बैटिंग एग्रेशन है 84। दोनों को ही एग्रेशन काफी अच्छा दिया गया है, परंतु फील्डिंग दोनों की ही कमजोर है। कोरी एंडरसन फील्डिंग में 3 पॉइंट से आगे हैं, थिसारा परेरा बैटिंग एग्रेशन में 2 पॉइंट से आगे हैं। रेटिंग्स में हमने सभी पॉइंट्स को देखा, वैसे तो लगभग सब इक्वल है, परंतु कोरी एंडरसन सिर्फ 1 पॉइंट से ओवरऑल आगे हैं। परंतु कंपैरिजन अभी खत्म नहीं हुआ है। इनके बॉलिंग एक्शंस देखें तो कोरी एंडरसन का एक सिंपल सा ही बॉलिंग एक्शन है, परंतु थिसारा परेरा का लसित मलिंगा एक्शन है। और ये सब जानते हैं कि लसित मलिंगा एक्शन रियल क्रिकेट 20 में कितना हेल्पफुल होता है, यानी कि यहाँ पर थिसारा परेरा काफी आगे निकल जाते हैं। अब लास्ट राउंड की तरफ चलते हैं, तो इनके बॉलिंग वेरिएशंस देखें तो और लीग्स में तो दोनों के पास इक्वल ही वेरिएशंस हैं। इनके पास रिवर्स स्विंग और स्लोवर्स नहीं है। अगर ड्रीम टीम लीग में देखें तो थिसारा परेरा के पास वही सभी वेरिएशंस अवेलेबल हैं, परंतु कोरी एंडरसन के पास ड्रीम टीम में ओनली स्ट्रेट लेग कटर एंड ऑफ कटर हैं, यानी कि यहाँ पर भी थिसारा परेरा ही आगे निकल जाते हैं। वैसे तो दोनों ही बेटर हैं, परंतु हमने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए थिसारा परेरा को इस बैटल का विनर चुना है। दोनों ही ऑलराउंडर काफी हेल्पफुल हैं। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है? अपनी राय दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।